हक फिर करेंगे, अपना हक फिर करेंगे, अपना हक फिर करेंगे, अपना हक दिल्ली इंडिपेंडेंट, हाय हाय 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 दिल्ली इंडिपेंडेंट, हाय हाय दिल्ली इंडिपेंडेंट, हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय दिल्ली इंडिपेंडेंट, हाय हाय दिल्ली इंडिपेंडेंट, हाय हाय दिल्ली इंडिपेंडेंट, हाय हाय अपना हक चीर लेंगे, अपना हक चीर लेंगे, अपना हक चीर लेंगे, अपना हक चीर लेंगे। वो सरकार निकम्मी है जो बिजली दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है जो बिजली दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है पानी न मिले पानी मिले पानी बिजली ना दे सके, वो सरकार निकम्मी है पानी बिजली ना दे सके, वो सरकार निकम्मी है चीर लेंगे, अपना हक चीर लेंगे, अपना हक चीर लेंगे, अपना हक जो बिजली पानी दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है, जो बिजली पानी दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है चीर के लेंगे, अपना हक चीर के लेंगे, अपना हक जो बिजली पानी दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय डिपार्टमेंट, हाय हाय जो पिछले दिनों में बिजली का जो क्राइसिस आया है उसके चलते हमारे काफ़ी एरियाज में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिली है बिजली के चलते। जैसे कि हमारे आरसपुरा क्षेत्र में जहां हमारे बॉर्डर एरिए में आप देख सकते हैं किसान हमारे बिजली को लेकर काफ़ी परेशान है। हमारे यहां पे नहरें होते हुए भी आज बंद पड़ी हैं, ट्यूबवेल होते हुए भी ट्यूबवेल बंद हैं। मुझे बताइए अगर किसानों ने अपनी ज़मीनों में अगर अपने ट्यूबवेल जो है प्राइवेट वो लगाए हैं लेकिन वो भी बिजली से चलेंगे जिसके चलते उसके बाद अपनी किसान जो है अपनी खेती कर सकता है, लेकिन बिजली की किल्लत होने से हमारे यहाँ के स्कूल एजुकेशन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे दुकानदार हैं, चाहे हलवाई हो, चाहे शैलर के हो, चाहे कोई और भी अपना निजी काम करने वाले हो, जिनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो बिजली का कट रहता है जिसके चलते हमें काफ़ी रोष है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है आज आरसपुरा में एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखा है। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और आगे काफ़ी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बरसात भी आने वाली है, उसमें भी बिजली का काफ़ी कट रहता है। हम पहले आगाह करना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप जो है बिजली को लेके आप संज्ञान लें, क्योंकि आपने बोला है कि कोयला जो है वो ख़त्म होने से प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये चीज़ बताइए कि जम्मू में कौन से पावर प्रोजेक्ट में कोयले से बिजली बनती है? बिजली बनती है पानी से। हम लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए जिसके चलते हम पब्लिक जो है वो जाग चुकी है। और आरसपुरा के हक के लिए, हमारे बॉर्डर के हक के लिए जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और मेरे काफ़ी लीडरान जो हैं वो तैयार हैं, और यहाँ के नौजवान जो हैं वो अपने हक हकूक के लिए जो है वो डिमांड करेंगे। आए दिन जो होगा हम एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव करेंगे। अगर जल्द से जल्द हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, जब बिजली को अच्छी तरीके से बहाल ना किया गया, तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे।